गाइस, कैसे हैं आप सभी। इस वक्त का टाइम हो रहा है 5 बजे और आरवी तो बस फटाफट पार्क में जाना चाहती है, इसलिए घर से 4 बजे से शुरू हो रही थी कि मुझे बाहर जाना है बाहर जाना है, तो मैं उसको लेकर आ गई हूँ। ये उसको रूटीन है कि वो 5 से 6 बजे के बीच में वो आराम से खेलती है, तो वो ये 1 घंटा होता है जिसमें ये अपनी मनमानी कर सकती है। तो यहाँ पे इसे कुछ दोस्त भी आ गए हैं तो ये यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही है, और इसी बहाने मैं भी अपने कुछ जो मेरे पड़ोसी हैं उन लोगों से मिल लेती हूँ, हाय हेलो कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि आरवी बहुत इंजॉय कर रही है, तो ये 1 घंटा आरवी का है जिसे आरवी बहुत इंजॉय करती है। मैं वापस आ चुकी हूँ और आरवी को लेके मैं गई थी 1 घंटे के नीचे, जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा जाती हूँ उसको लेकर, और मैं इस तरीके से आरवी गई थी। मुझे बताना ये आपको ना ये वाला लिपशेट कैसा लगा, और पता नहीं क्यों ये वाला लिपशेट लगाने के बाद ना मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना निग्रो लग रही हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बट मैं थोड़ी सी फेड लग रही हूँ अपने चेहरे से, और फेड मतलब कि थोड़ा सा तो ये जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने बाय किया था। कुछ ऐसा है ना, बट थोड़ा सा मुझे चेहरा मेरा डल लग रहा है और ये ज्यादा उभर के आ रहा है, और मैं इसी लिप शेड में बाहर चली गई थी लोगों से मिलने के लिए, तो मुझे जरूर बताना कि कैसा लग रहा है ये। और आज मैंने कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी, एक वीडियो बनाई थी मैंने, आई होप वो वीडियो आपको कल तक मिल जाए। तो आप करते हैं रात के खाने की तैयारी, तो चलो फिर चलते हैं। क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ तो मैं फटाफट से हाथ मुंह धोकर शाम की दिया बत्ती कर लूंगी। इस वक्त 6:15 का टाइम हो रहा है और हम लोग 6:15 के आसपास घर में दिया बत्ती कर लेते हैं, तो मुझे एंट्रेंस गेट पे और मंदिर में दिया बत्ती करनी है। ये जो थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया हुआ है ना, ये मेरे को रखा नहीं जा रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं फटाक से उतार दूँ, तो मैं अभी उतार देती हूँ। दिया बत्ती हो चुकी है क्योंकि मुझे किचन में जाना है, किचन में मैं ना इस तरह का से चिप 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 से मुझे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ना, मैं मेकअप 1 से 2 घंटे ज़्यादा नहीं रख पाती हूँ, मुझे खुद को ना भारी भारीपन लगने लग जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ उसको उतारने, उतारने के लिए भैया लिपस्टिक लिए मैं यूज़ करूँगी आरवी का बेबी ऑयल, तो वेट करो भैया ऐसे करके। मेरी बेटी ने मेरा स्टैंड भी हिला दिया, आई एम सो सॉरी गाइस, है ना। तो इस ये बेबी ऑयल है, दिस इज क्वाइट इनफ, थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे से करके। ये जो लिपस्टिक है ना,
बहुत है। और ये है आरवी की वाइप्स। ऑल सेट। अब मैं फटाक से अपना फेस वॉश कर लूंगी और एलोवेरा जेल लगा लूंगी, देन आई एम सॉर्टेड। ऐसे प्रोसेस करने से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता और आप देख सकते हो मेरा सारा मेकअप उतर चुका है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको क्लीन करते हैं और करते हैं आपके खाने की तैयारी। तो चलिए फिर, यहाँ मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। आप देख सकते हो काफी क्लीन लग रहा है। तो अब मैं अपना एलोवेरा जेल जो है मामा अर्थ की तरफ से जो एलोवेरा जेल है वो मैं इसको लगा लूंगी। ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर सेफ्रॉन, एलोवेरा और टर्मरिक का यूज़ किया गया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हालांकि मैं पहले पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती थी अपने फुल डे रूटीन के लिए। मैं अब इस वक्त किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। यहाँ मैंने मसाला तैयार कर लिया है। किचन थोड़ा सा आपको मैसी दिख सकता है तो प्लीज़ घबराए नहीं, अक्सर इस तरह की मैसीनेस घर में दिखाई देती है। तो मैंने इसे उबाल लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में और गैस मैंने ऑन कर ली है। तो रात का डिनर है तो फटाफट से इसको बनाते हैं। चलिए फिर, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। इट्स 10 o'clock now। अभी अपना वो देख रही है यार, हर जगह इतनी आवाज़ हो रही है, मैं कैसे व्लॉगिंग करूँ, मैं खाओ, इतनी आवाज़ हो रही है। यहाँ इसने टीवी चला के रखा हुआ है, बाहर उन्होंने मशीन चला के रखी हुई है। हाउ टू व्लॉग, आवाज़ नहीं आएगी। मेरे पास माइक भी नहीं है, मुझे माइक लेना पड़ेगा। आरु हाय बोलो सबको, हाय। मैडम सिर्फ डायपर में घूम रही है, पैंट नहीं पहन रही, आई डोंट नो व्हाई, कहती नो मुझे पैंट नहीं पहनना। और पता नहीं मेरे फेस पर अंदर कितना चबी चबी सा हो गया, आई रियली डोंट नो व्हाई, आज स्वेलिंग सी आ गई है। तो गाइस कल रात से बड़ी परेशानी हो रही है और फाइनली हमें एक डिसीजन लेना पड़ा। काम करते करते बताती हूँ क्या हुआ। 20-25 हज़ार की अगर चीज़ काम करना बंद कर दे तो क्या कर सकते हैं, और उसको ठीक कराने के चक्कर में मैं तो 12 से 10 हज़ार का रिस्क नहीं ले सकती। 10 हज़ार उसको ठीक करने के, उसके बाद दोबारा जो 3 हज़ार रुपये की उसके ऊपर एक और जो है बैटरी डलने वाला जो काम है वो, तो सीधा सीधा कितना है 13 हज़ार की चटकी लगने का टाइम आ गया है। और पूरी रात से मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए बड़े परेशान थे और फाइनली फिर हम लोगों ने सुबह डिसीजन लिया है। तो चलिए इससे पहले कि मैं बात कुछ शुरू करूँ, एक तो इसमें टीवी बंद करवाती हूँ। अरे प्लीज़ टीवी बंद करो बेटा। तो एक तो मुझे करना है अपने घर की क्लीनिंग, पूरा घर बिखरा हुआ है एज यू कैन सी, ये देखो
यारवी ने क्या हाल किए हैं। यारवी के बर्थडे और बलून अभी तक लगे हुए हैं, कुछ फूट गए हैं, कुछ मैंने आस पड़ोस के बच्चों को दे दिए हैं ताकि वो खेल सके, क्योंकि आरवी सिर्फ एक से खेलती है और बाकी सब खराब हो जाते हैं, तो मैंने उनको दे दिए हैं ताकि वो खेल सकें। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा है कि मैंने अपने बच्चे के बर्थडे पे उसके फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुलाया और लाइक बच्चों को बुलाना चाहिए था। तो गाइज ये डिसीजन मेरे हस्बैंड का था और मैं भी उसमें उतना ही पार्टिसिपेटेड थी, क्योंकि अभी आरवी क्या है, आप खुद सोचो कि अभी हम लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, और हम लोग अभी ज़्यादा लोगों को जानते भी नहीं हैं, जितनों को जानते हैं, और आरवी इज जस्ट वेरी स्मॉल। आरवी को अभी कुछ नहीं पता कि व्हाट इज़ केक कटिंग, व्हाट इज़ गिफ्ट, आरवी को कुछ नहीं पता है सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। रेस्ट हम लोगों ने फर्स्ट जो बर्थडे था वो आरवी का नहीं बना पाए थे, तो ये जो था वो हमारा अपने लिए था। रेस्ट आरवी को अभी कुछ पता ही नहीं है, आरवी के लिए कोई पर्पस। आरवी लो बेटा, मैंने मना किया था ना आपको, चलो दीवार पे कुछ नहीं करना। तो ये देखो आरवी क्या कर रही है। हाय। नहीं कोई नहीं बात करेगा आपसे। तो हुआ ये था कि इतने छोटे से बच्चे को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, इसलिए अगर मैं बुला भी लेती, मान लो अगर मैं बच्चों को बुला लेती, तो आरवी का जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि वो एकदम से बहुत सारे लोगों को देख के डर जाती है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती या बहुत सारे, और इसकी वजह से बाकी सब बच्चों का मूड ख़राब हो जाता, उनके पेरेंट्स भी आते, है ना। तो सीधी सी बात है कि अभी इसको कुछ पता नहीं है ये क्या रिएक्ट करती। उस समय हमारा पूरा जितना भी हम लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे सब चीज़ों के लिए, वो सब धरी की धरी रह जाती। इसलिए हमारा सोचना ये बिल्कुल सही था कि एटलीस्ट हमें आरवी को उतना टाइम देना चाहिए कि शी विल गेट यूज्ड ऑफ इट, कि हाँ मेरी केक कटिंग हो रही है, केक कटिंग का मतलब क्या है, पापा मुझे गिफ्ट दे रहे हैं और लोग मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, इतने सारे बच्चे क्यों आए हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, राधा देन कि हम एकदम से बच्चों को दिखा दें। और कहते हैं कि ये हैप्पीनेस कभी भी भीड़ की मोहताज नहीं होती है गाइस। अगर आप खुशी मनाना चाहते हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत सारी भीड़ मैं लेकर आऊँगी घर के अंदर, पार्टी करूँगी, धूमधाम से मनाऊँगी, तो ऐसा कभी नहीं होता कि इन सब बच्चों को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। अभी जब ये ना आप जब भी 4 साल से ऊपर की हो जाएगी, तब शायद इसको थोड़ा पता होगा कि भी हाँ, तब तक इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन चुके होंगे, ये स्कूल गोइंग किड होगा, है ना, होगी, तो उस समय ये थोड़ी सी समझदार होगी इन सब चीज़ों में। लेकिन इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया, और अच्छा हुआ कि हमने नहीं लिया, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 या 3 लोग ही थे उस समय। बाकी को लोगों को, जितने भी लोगों को मैं जानती थी, बेशक मैं उनको घर पे नहीं बुला पाई, लेकिन जो भी सामान मेरे घर पे आया था, केक, समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें मैंने लोगों के घर में जो होते हैं दूसरी डिस्पोजेबल प्लेट्स में डाल के उनके घर में भेज दिया था। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं खर्चा नहीं करना चाहती, मेरा मोटिव ये था कि आरवी कम्फर्टेबल रहे। आरवी अगर कम्फर्टेबल नहीं होती तो दूसरे बच्चे अनकम्फर्टेबल हो जाते, उनके पेरेंट्स को आरवी का बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना सुनना पड़ जाता, तो वो नहीं था, आरवी रेडी नहीं थी इन सब चीज़ों के लिए। सो ये एक रीज़न था, इसलिए हमने उतना ही किया जितना इसको समझ में आता। बलून्स लगाए थे हमने आरवी के नाम का, केक बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया केक को, थैंक यू सो मच गाइस, लिटरली बहुत ही क्यूट केक था। तो ये हमारा जो रीज़न था आप समझ सकते हो। अगर फिर भी इसके रिलेटेड कुछ और अगर आपके क्वेश्चन, तो प्लीज़ जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा, मेरी हर एक चीज़ करने के पीछे एक रीज़न होता है, और मैं वो रीज़न आपको शेयर करूँगी, बिकॉज आप लोग ही वो लोग हो जो मुझे देख रहे हो। अगर आप ही लोग उस पर डाउट क्रिएट करोगे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते ना डाउट आपकी तरफ क्वेश्चन मार्क करके दे देते हैं और बाद में उसको क्लियर नहीं करते हैं, और आप उसी चक्कर में उनके नेक्स्ट ब्लॉग देखना स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते करते महीना बीत जाता है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। मैं वो नहीं करूँगी, बिल्कुल एकदम क्लियर कट मैं रखना पसंद करती हूँ सब चीज़ों में। और हाँ, मैं आपको एक और कहना चाहती हूँ, अरे ये एक ब्लॉगर है, क्या बताऊँ तो मैं पता क्या, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। आई नो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं ना उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि एक एक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाने बैठे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की नॉलेज आपको ना हो, उसके बारे में लोगों को मत बताइए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है गाइज। तो
अंजू जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि खैर छोड़िए, उन्हें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, शी इज़ वेरी डीप टाइप ऑफ लेडी, तो वो नहीं करेंगी इन सब चीज़ों को। तो खैर चलो, इससे पहले कि कुछ शुरू करें, आप ये देख सकते हो आरवी ने अपना पूरा एकदम अच्छा खासा पूरे घर का इसने तमाशा मचा के रख दिया है। अब वह टपा टपा टपा, अरे सारा उठाओ बेटा, चलो साफ करो, झाड़ू मारो। और मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। किचन की क्लीनिंग के लिए मुझे मंदिर भी साफ़ करना हो, मेरा मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये है मेरा किचन इस वक्त, लॉट्स ऑफ बर्तन, सुबह का पूरा नाश्ता पानी लंच जो भी मैं बना चुकी हूँ। अजय ऑफिस गए हैं तो मैंने अजय को टिफिन बना के दिया है और उनका ब्रेकफास्ट बना के दिया है। आरवी का ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने भी कर लिया, तो अब मेरा बस बेसिक पेंडिंग है क्लीनिंग। तो फटाफट से क्लीनिंग करते हैं, फिर आगे बात करती हूँ।